थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूजा, ये बताइए कि आपने आखिरी बार खत कब लिखा था? अजय जी, मुझे तो याद नहीं, मगर आप बताइए आपने आखिरी खत कब लिखा था? मुझे भी याद नहीं। क्या आप लोगों को याद है? ऊपर बैठे मेरे साथियों को याद है? शायद बहुत कम लोगों को याद होगा कि आपने आखिरी बार खत कब लिखा था। फ्रेंड्स, वी रिफर टू द एवर चेंजिंग वेज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक दौर था जब सिर्फ इशारों और आवाज के माध्यम से ही कम्युनिकेशन किया जाता था। पक्षियों के माध्यम से खत भेजे जाते थे, फिर दूरसंचार सेवाएं आई। विद दिस न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन हैज शिफ्टेड टू ईमेल्स, मोबाइल्स, सोशल मीडिया इंक्लूडिंग व्हाट्सएप एंड ट्विटर एटसेट्रा। तो आइए ले चलते हैं आपको उस दौर में जब मोहब्बत बयां करने के लिए खत एक खूबसूरत जरिया था, और करते हैं स्वागत DBD से श्री नितिन त्रिहन का, जो आ रहे हैं एक गीत लेकर जिसके बोल हैं लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे धड़कन है
मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे